नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साइली दरक राठी और मैं एक आर्किटेक्ट, ऑथर और लाइफ कोच हूँ। कल मैंने शकुंतला देवी नाम की मूवी देखी। इसमें अनेक मुद्दों को स्पर्श किया है। मूवी मुझे तो अच्छी लगी। एक माँ बेटी का रिश्ता, एक एम्बिशियस औरत का समाज के साथ का रिश्ता, एक बीवी का अपने पति के साथ का रिश्ता, ये सारे इंटर ह्यूमन रिलेशंस एक तरफ और महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने का खुद के साथ का रिलेशन एक तरफ। आपको भी अगर वक्त मिले तो ये मूवी जरूर देखना। कई लोग कहते हैं कि लड़की और लड़के में अंतर नहीं होता। मुझे लगता है अंतर होता है, पर हमें अंतर करना नहीं चाहिए। मैंने अपनी किताब में भी कहा है कि एक लड़की और लड़के की महत्वाकांक्षाओं के बारे में अंतर किया जाता है। जब किसी को खुद की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है तो पहले बंधन देखते हैं या एम्बिशन? एक व्यक्ति को अगर व्यक्ति समझकर ट्रीट करे तो दुनिया में बहुत सी चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएगी। वही अगर व्यक्ति को नातों में बांध लेने से, काम में बांधने से, टांग देने से उस व्यक्ति को हम कभी समझ नहीं पाते। अगर आपको किसी को समझना है, किसी के लिए कुछ करना है, तो अपना उस व्यक्ति के प्रति रखा हुआ बैगेज हटाओ। उसे किसी और व्यक्ति के बजाय उसी की नजर से देखना सीखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर अपने पिता को सिर्फ पिता की नजर से देखे और उनके बाकी सारे गुण अवगुण को नजरअंदाज कर दे, तो क्या हम उस व्यक्ति को, अपने पिता को समझ पाएंगे? नहीं ना। वह पहले एक व्यक्ति है, उसका काम है, उसके जीवन के अनेक पहलू है। हर पहलू को आप समझ नहीं पाओगे। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके हिसाब से सही हो। कहीं ना कहीं वह अपने हिसाब से भी सही होता है। बात बस इतनी सी है कि दूसरे व्यक्ति के जूतों में पैर डालने से पहले उसके पैर का अंदाज ना ले। कौन किस चीज से गुजर रहा हो, क्या सोच कर निर्णय ले रहा हो, इसे हम जज नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम खुद के बारे में, खुद के मतों के बारे में दूसरों पर अपने विचार ला दे। अपने आप को समझाए कि जो हम सोच रहे हैं वह हमारा दृष्टिकोण है। किसी और के दृष्टिकोण से बात अलग रह सकती है। इसीलिए हमें जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है, आप किस विषय में आगे की वीडियोस चाहते हैं, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।